हरियाणा में जिला सिरसा का गांव ढाणी बंगी। कुछ समय पहले तक इस गांव में गंदगी हुआ करती थी क्योंकि ज्यादातर लोग शौच करने बाहर जाया करते थे। लेकिन एक दिन जब DRDA सिरसा द्वारा चलाए जा रहे संपूर्ण स्वच्छता अभियान की टीम ने गांव का दौरा करके उन्हें बाहर शौच जाने से होने वाली बीमारियों और परेशानियों के बारे में बताया, तब लोगों ने माना कि वाकई वो कितनी गंदगी में जी रहे हैं। कुछ लोगों ने तो स्वच्छता अभियान में शामिल होने का मन ही बना लिया। बच्चों ने स्वच्छता रैली निकालकर गांव वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कुछ गांववासी स्वच्छता समिति में शामिल होकर निगरानी में जुट गए तो कुछ लोगों ने गांव की सफाई का बीड़ा उठाया। मैम, हम सुबह घर से 3 बजे उठकर आ जाते थे और 4 बजे से हम निगरानी के लिए तैयार होते थे। मैं सरपंच साहब के साथ ही होता था और 2-4 मेंबर जो अब मौजूद हैं हमारे साथ, वो भी हमारे साथ होते थे। उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग दिया और जो जिनको हम रोकते थे उन्होंने भी हमें सहयोग दिया इस मामले में। महिलाओं ने आगे आके पुरुषों को सहयोग दिया कि इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। मानते गए लोग कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, कुछ मेहनत करनी पड़ी। कई तो मान जाते और कई कहते हमारे घर में लैटरिन नहीं है भी, हम कुछ दिन तो बाहर जाएंगे, बाद में हम कोई दुआ लेंगे थे उसमें चले। आप निगरानी कमेटी में? हाँ जी, निगरानी जी। तो कैसे आप रोकते थे लोगों को? हाँ जी, बहुत रोकते जी, हूँ बाहर ना जाओ, करे पटाओ, उत्थे बाहर जाओ, बाहर गंदगी खिल रही है, मक्खी आउंदी है, रोटी तो पैंदी, बीमार पंछा हो जाता। हूँ अगे नालों थोड़ा साढ़े ठीक आ गया। ज़्यादा समझाने में किसको मुश्किल आई? पर जी बंदे बंदे समझा सकते, बुढ़िया तो बुढ़िया फिर समझा सकती, आप बस गेड़ा मर जाए तो गेड़ा आके इन्ने फायदा। जो कोई जाता से रोकी दसी भी गांव वास्ते ये काम नहीं करना, गंदगी ना बीमारियां फैल रही, ये आपको नुकसान ही नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से मैं क्या सी भी इदा बुरे लगी था सामने जाके, आप जनानियां बिंदियां बहुत भैड़ियां लगदिया भी, तुम बाहर ना जाया करो, घर लैटरिन पटाओ तो अपने घर ही बहो। आज यह गाँव पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त है, लोगों ने शौचालयों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। अब जैसे ये खुले में शौच मुक्त हो गया है, लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया है, किस तरह की पहले आपको तकलीफें आती थी? बहुत जाती। किस तरह की? कणक दे विच भी गाह पा दे, बैठन कणक नहीं वढ़दा, कोई नरमा नहीं कोई चुगदा, तो हुण ऐसे वाले बहुत सुधार आ। गाँव पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो गया है? हाँ जी, हाँ जी। भी सारे पहले यही आखते सीए भी सरपंच ही रोक रहा जी सानू बाहर जान तो, हाँ जी, हाँ जी, असि आप रोकते सीए ते हुण सारे बिल्कुल हट गए जी। बहुत साफ वधिया लगदा जी। बहुत सुंदर लगदा, बहुत सोहना लगता। अब आपको अपना गांव कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लगता। खुश हो अब आप? हाँ जी, बहुत खुश है। आज सभी गांववासी साफ और स्वच्छ वातावरण में रहने लगे हैं।